चाहते हैं कि आपकी वजाना बहुत अच्छा स्मेल करे और बहुत अच्छी तरह से दिखे, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, चाहे वो इचिंग की प्रॉब्लम हो, बर्निंग सेंसेशन हो, ईस्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, और आप यू वॉन्ट टू स्मेल गुड, यू डोंट वॉन्ट बैड स्मेल, क्या इनमें से कोई प्रॉब्लम आपकी है? क्योंकि मुझे रिसेंटली एक मेल आया और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कॉमेंट करके बोला कि उनको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो डोंट वरी, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी विद हल्दी। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वजाना का सही ध्यान रखने से वजाना कैन स्मेल गुड। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, विदाउट फदर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको 5 हेल्दी टिप देती हूं जिसकी वजह से आप अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट को हेल्दी, फ्रेश एंड क्लीन रख सकते हो। हम लोग ना कभी कभी अपनी ही स्मेल से घबरा जाते हैं कि यार ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। सो क्या होता है ना कि आपकी बॉडी का एक स्मेल होता है, स्पेशली आपके जो इंटीमेट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी एक अपनी ही स्मेल होती है जो आपको पता ही होती है। और जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से स्मेल करूं वैसा आप भी करें, आपका डिफरेंट हो सकता है। हर लड़की की बॉडी का स्मेल, उसके इंटीमेट बॉडी पार्ट का स्मेल अलग हो सकता है, होता ही है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपके इंटीमेट बॉडी से किस तरीके की स्मेल आती है। लेकिन कभी कभी हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट से ना स्मेल आती है बहुत ही फिशी स्मेल आती है। इसका मतलब है कि आपका पीएच लेवल बैलेंस्ड नहीं है। सो गाइस, अपनी वजाना की नेचुरल स्मेल को जानिए और उसको समझिए। अगर डिफरेंट लग रहा है तो अब इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, है आगे पता चलेगा आपको क्या है वो। ये स्टेप बहुत जरूरी है इंटीमेट हाइजीन को समझने के लिए कि आप डिफरेंशिएट कर पाए आपकी रेगुलर बॉडी का स्मेल, वजाइना का स्मेल और डिफरेंट वजाइना का स्मेल जब आपको आने लग जाता है। वैसे आइडियली वजाइना का नेचुरल पीएच लेवल 3.8 से 5 तक का होता है, मॉडरेटली एसिडिक इन नेचर। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी वजाइना का पीएच लेवल मेंटेन करके रखो। सो गाइस, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सेम पीएच व्हाइल यू टेक केयर ऑफ योर बिकनी। इसके लिए जरूरी है कि आप एक माइल्ड इंटीमेट वॉश यूज करें जिसके अंदर केमिकल्स ना हो, फ्रेग्रेंस ना हो, पैराबेन ना हो। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वजाना का पीएच लेवल क्या है? सो आप ना ऑनलाइन अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो, टेस्ट स्ट्रिप आती है, उससे आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में आपकी वजाना का पीएच लेवल क्या है। सो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपका पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा। हाँ तो हाँ, चलो अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताती हूँ। अगर आपकी वजाना में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप कॉटन के अंडरवेयर पहनना स्टार्ट कर दो। हमेशा से रेकमेंड करती आई हूँ मैं। कमेंट करके बताओ कितनी लड़कियां जो कॉटन का अंडरवेयर नहीं पहनती हैं। फिर तो आपकी वजाइना के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेस थॉन्ग सैटन अंडरवेयर दिखते अच्छे हैं बट इन्हें डेली पहनने के लिए अवॉइड करें। मुझे पता है हम सबको सेक्सी दिखना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए सेक्सी सेक्सी गॉर्जियस सी बिकनी ड्रेसेस हम पहनते हैं, लेकिन डेली वेयर के लिए इन सब चीजों को अवॉइड करो प्लीज, नॉट गुड फॉर योर बिकनी लाइन हेल्थ। ऐसा नहीं है कि ये सेक्सी ड्रेसेस आप पहन ही सकते हो, पहनो बट ओकेजंस पे पहनो, और जैसे ही आपका ओकेजन खत्म हो जाना फटाफट उतार फेंको और कॉटन के अंडरवेयर पे आ जाओ वापस। और हाँ, ऐसे अनकंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के सोना तो बिल्कुल भी नहीं। कॉटन अंडरवेयर सबसे बेस्ट होता है, स्पेशली अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट को कवर रखो कॉटन के कपड़े से, क्योंकि ये ना बहुत ही हल्के होते हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को और आपको होने वाली परेशानियों से दूर रखते हैं। ब्रीदेबल कपड़े हैं और सबसे अच्छी बात, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। सैटन और लेस के जो कपड़े होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे से गिफ्ट रैप में आपकी बॉडी को कवर करके पैक कर दिया गया हो, जिसके अंदर आप सांस भी ना ले पाए और वजह ना ट्रैप हो जाती है हीट और स्वेट से और ब्रीद ही नहीं कर पाती आपकी स्किन, और परफेक्ट रूम बना देती है ईस्ट इन्फेक्शन के होने का। और ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे इंटीमेट एरिया में वजाना के आसपास ईस्ट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाए। बढ़ते हैं हैक नंबर 2 पे। देखो, कॉटन का अंडरवेयर पहनना तो सबसे बेस्ट है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बेस्ट होगा अगर आप वो भी ना पहनो। रात को सो रहे हो तो स्लीप नेकेड, ठीक है। वैसे कॉटन के अंडरवेयर्स अंडरगार्मेंट्स पहनना तो बेस्ट होता ही है, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत ज्यादा पसीने वगैरह आते हैं, स्वेट आपके कपड़ों में ट्रैप होके रह जाता है, तो आप नेकेड सो सकते हो, मतलब कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप सो रहे हो अपने रूम में अकेले हो, सो यू कैन स्लीप विदाउट योर अंडरगार्मेंट्स आल्सो। इससे आपकी स्किन खुली रहेगी, खुली स्किन में हवा अच्छी लगेगी, ब्रीथ कर पाएगी स्किन और आपको ईस्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पसीने नहीं आएंगे, क्योंकि कॉटन कितना भी ब्रीदेबल हो, जो हम कॉटन की पैंटी पहनते हो जो उसका इलास्टिक होता है, ब्रीदेबल नहीं होता, वो स्किन को इरिटेट करता है। गोइंग कमांडो एट नाइट्स ड्यूरिंग स्लीप टाइम एक्चुअली कैन मेक यू फील गुड। हाँ, मॉइस्चर नहीं रहता है, स्वेट नहीं रहता है, आपकी स्किन बहुत अच्छे से ब्रीथ करती है, तो डिच योर कॉटन अंडरवेयर्स आल्सो ड्यूरिंग नाइट। टिप नंबर 3। नेक्स्ट टिप है से नो टू सोप। हमारी जो वजाइना होती है ना, वो अपने आप को खुद से ही साफ कर लेती है, उसको साफ करने के लिए उसके अंदर आपको साबुन डालने की जरूरत नहीं है। नो साबुन, नो कोलगेट, नो डिटर्जेंट, नो एसेंशियल ऑयल, नथिंग। अपने आप वो क्लीन कर लेती है, जो वाइट डिस्चार्ज आता है वो उसी फॉर्म में बाहर आता है क्लीन करने के
बाद वायर डिस्चार्ज बाहर आ जाता है। जैसे घर में झाड़ू पोछा लगा करके जो पानी बचाता है हम फेंक देते हैं, उसी तरीके से वजाना अंदर से अपने आप को साफ करती है और जो गंदगी होती है वो वायर डिस्चार्ज के फॉर्म में हमारी वजाना से बाहर फेंक देती है जो कि पैंटी पे लगी रहती है। सो गर्ल्स प्लीज 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 साबुन को इस्तेमाल मत करो अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स में, कोई जरूरत नहीं है, इससे आपको प्रॉब्लम ही हो सकती है। साबुन में बहुत सारे केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और पैराबेंस हो सकते हैं जो कि हमें पता है जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। सो क्या लगा सकते हैं, जो इंटीमेट बॉडी पार्ट के लिए स्पेशलाइज्ड चीज बनाई गई है ना इंटीमेट वॉश, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में आपको बहुत सारे इंटीमेट वॉश मिलेंगे जिसके अंदर केमिकल होता है, जो मैं यूज करती हूँ मुझे बहुत ही सही लगता है, उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, वो आप ट्राई कर सकते हो। मैं यूज करती हूँ नम्या का इंटीमेट हल्दी चंदन वॉश। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है जो कि आपके वजाना के पीएच लेवल को रेगुलेट कर देता है और आपकी वजाना पूरा दिन फ्रेश, क्लीन, ड्राई रहती है एंड यू फील गुड। स्पेशली पीरियड्स के दिनों में ना, मतलब हमारी जो ब्लीडिंग होती है, पैड के ऊपर जो ब्लड लग जाता है वो थोड़ा थाई अराउंड भी लग जाता है, बिकनी एरिया के आसपास भी लग जाता है, और पूरा दिन अगर आप उस एरिया को वॉश नहीं करते हो तो वो ब्लड सूख करके जम जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, ईस्ट इन्फेक्शन या बैग्नोसिस हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। तो ऐसे में ये जो नम्या का इंटीमेट वॉश है ये आयुर्वेदिक तत्वों से बना हुआ है, हल्दी और चंदन। यस, हल्दी चंदन, जो हेल्प करता है आपकी स्किन को थोड़ा सा लाइटन अप और ब्राइटन अप होने में रेगुलर, अगर आप इसको यूज करते हो और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हो तो। मेरे लिए ये तो एकदम हेवन का काम करता है, एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, इसको अगर यूज करोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा बाथरूम छोड़ करके जाने का। इट रियली फील्स गुड, और फील गुड कि आप कितने अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं हर बार इस बात पे स्ट्रेस करती हूँ कि आप अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट का हाइजीन जरूर मेंटेन करो। एक बार आप जब स्टार्ट कर देते हो नम्या इंटीमेट बॉडी वॉश यूज करना, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है, वेगन है, अच्छा क्लिंजर है आपकी वजाना इंटीमेट बॉडी पार्ट के लिए, सारे इन्फेक्शन, इरिटेशन और इचेस को दूर रखता है। अगर आपको ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट पर रैशेस, इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर को भी कंसल्ट करके नम्या इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज कर सकते हैं। सो गर्ल्स, ये वाला प्रोडक्ट यूज करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका रिजल्ट आपकी बॉडी पे कैसा रहा, और जितनी लड़कियां मेरे रिकमेंडेशन के बाद इसको यूज करती आई हैं वो भी अपना अच्छा एक्सपीरियंस या जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो जरूर लिख करके जाना, ताकि दूसरों को भी पता चले। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 पे, क्लीन योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर सेक्स। और ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए भी है। ये बहुत छोटी और बेसिक चीज है, बट लोग इसको अक्सर अवॉइड करते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज, मेक श्योर जब भी आप इंटरकोर्स करते हो, लव मेकिंग करते हो, आप हाइजीन पहले मेंटेन करो। अगर आपके हैंड्स डर्टी रहेंगे, गंदे रहेंगे एंड देन यू डू लव मेकिंग, सो बहुत सारे इंटीमेट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली गर्ल्स को हो सकती हैं, आप समझ सकते हो क्यों। सेक्स कई बार बहुत ज्यादा मैसी हो सकता है, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्री एंड पोस्ट सेक्स जरूर मेंटेन कीजिए। आप नहीं चाहोगे ना कि कोई भी चीज अंदर जाए जो कि हाइजीनिक ना हो, साफ ना हो, और उसकी वजह से आपका पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाए एंड देन आपको इरिटेशन, रैशेज, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाए। टिप नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, मॉनिटर योर डाइट। जैसा आप खाते हो वैसे आप होते हो, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में आप जो खाओगे आप नीचे से वैसे ही स्मेल करोगे, ये बात सच है। सीरियसली, वजाना हेल्थ के लिए भी प्रॉपर डाइट को मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि आप वही हो जो आप खाते हो। और पता है आप वैसा स्मेल भी करते हो जैसा आप खाते हो। अगर आप गार्लिक स्मेल करोगे तो आपका वजाना गार्लिक जैसा भी स्मेल कर सकता है। स्पाइसी, गार्लिक, जंक या कोल्ड ड्रिंक्स या एल्कोहल, जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें हैं और बदबूदार चीजें हैं, अगर आप वो खाते हो तो उसकी बदबू आपके शरीर के अंदर रह जाती है, क्योंकि इन सब चीजों में एक सीक्रेट स्मेल होती है, उसको कहीं से तो बाहर आना है, तो वो वहां से बाहर आ सकता है। और शुगरी फूड्स तो सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वजाना का पीएच डिसबैलेंस ज्यादातर शुगरी फूड खाने की वजह से होता है। सो अवॉइड इट, एंड डाइट के साथ साथ हाइड्रेशन भी किया करो। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी ही अच्छे से आपकी बॉडी क्लीन रहेगी और बदबू से फ्री रहेगी, और पानी से वजाना का पीएच लेवल भी बैलेंस में रहता है, प्लस वजाना से बदबू भी नहीं आती। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी दही खाओ, दही खाने से वजाना की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, हेयर और स्किन की भी। ये तो कुछ बहुत ही बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट वजाना के टिप्स मैंने आपको दिए हैं। ऑल द वजाना आपके शरीर के अंदर होता है, जो बाहर दिखता नहीं है, बाहर वाला हिस्सा वल्वा होता है, लेकिन फिर भी मैंने वजाना वजाना बोल के रेफर किया, क्योंकि आमतौर पे लोग उसको ओवरऑल बात करते हैं तो उसको वजाना ही बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। सो गाइस, ये सारे टिप्स को फॉलो करना अपने इंटीमेट हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। आपके शरीर के अंग, कोई सा भी अंग हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, डू डिस्कस विद मी। आप प्रॉब्लम्स लिख भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आ जाऊंगी। और इस तरीके की और वीडियोस, गर्ल्स टॉक की वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखो, ये बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक्स है जिसके ऊपर लड़कियां बात नहीं करती, लड़के तो भूल ही जाओ, और आपको कहीं भी इसके
बारे में नहीं बताया जाता है कि अपनी वजाइना का ध्यान कैसे रखना है, और सही से ध्यान ना रख पाने की वजह से, गलत जगह से गलत इन्फॉर्मेशन लेने की वजह से बहुत सारी लड़कियां, मतलब ओ माय गॉड, मैं बता भी नहीं सकती, वो बुरा बुरा हाल कर लेती हैं अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स का, अपनी स्किन का, अपनी हेयर का। तो प्लीज इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, ठीक है। बी नेचुरल इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां आपको एक्यूरेट और सही सलाह मिलती है। लैक ऑफ नॉलेज और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई भी ऐसी वैसी चीज मत ट्राई कर लेना, ठीक है। कभी भी किसी बात का डाउट होता है या तो मुझसे पूछो या अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लो एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।